वेलकम दोस्तों, न्यू वीडियो ऑफ मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस। तो आज हम करने वाले हैं 2.1 बॉस, और अब मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें हमको लेकर आने हैं टेक के चैंपियंस जो रीजनरेशन को फेल करें। जब इनको रीजनरेशन आएगी ना और हम उसको फेल कर देंगे तो हमको फ्यूरी गेन होएगी। तो इसके लिए मेरी टीम देख सकते हो, और आर्मर ब्रेक करोगे ना अगर टेक चैंपियंस है किसी, तो भी क्या नाम है इनको, आपको फ्यूरी गेन होएगी, और आर्मर ब्रेक करते ही हिल ब्लॉक भी हो जाएंगे। तो मैंने ये वाला पाथ लिया है, और मेरी टीम में हल्क बस्टर, निमरोड, वॉरलॉक, ओमेगा सेंटिनल और एंटमैन है। तो मैं इस क्या नाम है स्पाइडरमैन के लिए एंटमैन को लेके आया हूँ, और मैंने थोड़ी फाइट फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है क्योंकि ना इसमें थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि स्पाइडरमैन ना ये बीच बीच में बहुत इवेड कर रहा था। और देखो रीजनरेशन के वो चक्कर में भी ना इनको बहुत, क्योंकि रीजनरेशन ना क्या नाम है एंटमैन फेल नहीं करता, ये हील ब्लॉक भी नहीं करता और रीजनरेशन फेल्ड भी नहीं करता, जिसकी वजह से इसमें फाइट में थोड़ा टाइम लगा है। और ये भाई साहब सारे एसपी स्पेशल्स मेरे इवेड कर रहा था, तो मुझे SP1 मार मार के दोबारा इसको SP1 मार मार के बार बार वो करना पड़ा। एक SP2 पड़ गया, लेकिन SP3 पे ही पहुंच गया ये। बस ये पड़ा SP3, मरूंगा तो नहीं, बच जाऊंगा, और बस फिर मारेंगे इसको। ये देखो स्टन हुआ। एंटमैन का एक फ़ायदा है, अगर इसको पूरे अगर चार हिट कॉम्बो भी मार दोगे ना, डिफेंडर चार हिट कॉम्बो भी मार देगा तो वो सामने वाला स्टन हो जाता है, स्टन कर देता है सामने वाले को। बोस्ट बेस्ट डिफेंडर है भाई। और सारे अगर इसके पांच आर्मर अप हो जाए ना, पांच आर्मर अप के बाद ये सारे अटैक ग्लांस करता है, इतना तगड़ा डैमेज नहीं मिलता, क्रिटिकल हिट भी सारे ख़त्म कर देता है, और बेसिक हिट के अगर है दम तो डैमेज लेगा, और बहुत तगड़ा भाई अटैकर और डिफेंडर, मज़ा आता है इसको खेलने में। और ये फाइट बातों में कंप्लीट होगी। अब ये फाइट हमारी लूक केज के साथ, जिसके लिए मैं निमरोड लाया हूँ। निमरोड रीजनरेशन को ना अशोक में कन्वर्ट कर देता, ना फेल करता है ना वो करता है, इसलिए निमरोड को ना क्या नाम है फ्यूरी नहीं मिलेगी, फ्यूरी नहीं मिलेगी इसको। लेकिन ना मैं रीजनरेशन को फेल कर सकता हूँ, शोक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिसकी वजह से ना डैमेज मतलब इसको रीजनरेट नहीं करेगा दोबारा बार बार। बस और यही है कि निमरोड मेरा रैंक 4 मैंने कर दिया, असेसेंट कर दिया निमरोड को, और निमरोड का असेसेंट करना ज़रूरी था, क्योंकि इसका जब तक असेसेंट नहीं करता ना तो इसका शोक डैमेज इंक्रीज नहीं होएगा। शोक डैमेज बढ़ाने के लिए मेरे को इसका असेसेंट करना ज़रूरी था, और अब काम भी आता है, ये बहुत काम आता है डिफेंस में भी, बहुत तगड़ा काम आता है ये। और बस थोड़ी सी फाइट रह गई लूकेज वाली, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ना आपको इनका रीजनरेट फेल करना है, रीजनरेशन इनका फेल करनी है आपको। आपको ऐसा कोई चैंपियन ले आओ जो ना रीजनरेशन इनकी फेल कर दे, लेकिन रीजनरेशन इनको होना चाहिए। आपने हील ब्लॉक लगा रखा और इनको रीजनरेशन आया हो तब आपको फ्यूरी गेन होएगी, वरना आपको फ्यूरी गेन नहीं होएगी। और जैसे कि इसमें बढ़िया चैंपियंस जो काम करेंगे ना, वॉरलॉक, ओमेगा सेंटिनल, हल्क बस्टर और निमरोड, बस बेसिक डैमेज ही देगा, निमरोड फ्यूरी नहीं गेन कर पाएगा, बेसिक डैमेज ही देगा। और इनफेमस मैन भी काम नहीं करेगा, निमरोड काम नहीं करेगा, एंट मैन भी काम नहीं करेगा, वॉरलॉक तगड़ा काम कर देगा, लेडी डेस्ट्राइक भी अच्छा काम करेगी, बिल्कुल लेडी डेस्ट्राइक है लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं करी, और वॉरलॉक अच्छा काम करेगा, ओमेगा सेंटिनल कर लेगी, हल्क बस्टर कर लेगा, वीआई विजन भी अच्छा काम करेगी, वीआई विजन तो भाई बहुत तगड़ा काम करेगी यार, वीआई विजन भी बहुत तगड़ा काम करेगी। और बाकी देख लेना यार, मेरे को तो कुछ याद नहीं आ रहा अभी टेक चैंपियंस जो हिल ब्लॉक करते हो। मेरे ख्याल से अल्ट्रॉन भी ठीक काम करेगा, हाँ अल्ट्रॉन भी सही काम करेगा, वो भी शायद हिल ब्लॉक करता है अल्ट्रॉन भी। और ये हमने छोड़ा SP2 निमरोड का, और मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाना चाहिए था यार, ख़त्म हुआ नहीं, हो जाना चाहिए था इसको, लो हो गया शोक के डैमेज से ख़त्म हो गया, जो हमने रीजनरेशन शोक में कन्वर्ट किया था। और हमारी फाइट ही VI विजन से आ गई, डिफेंडर ही है भाई, और इसके लिए भाई मैं लेके आया हूँ क्या नाम है एंटमैन। और भाई VI विजन की फ़ाइट ना ये बहुत लंबी फाइट है इस पाथ में, और इस फाइट में आपको ध्यान रखना है, ये हील ब्लॉक भी करती है, और क्या नाम है SP1 इसका अगर आपको इवेड करना नहीं आता ना तो ब्लॉक पर भी बहुत तगड़ा डैमेज देगी ये। अगर इसका SP1 इवेड करना जरूरी आना चाहिए आपको, अगर SP1 इवेड करना नहीं आता ब्लॉक पर भी बहुत तगड़ा डैमेज है। और एक बात और बताता हूँ, आप ना पावर गेन कर ही नहीं पाओगे इसकी फाइट में, हैवी देना पड़ेगा आपको पावर गेन करने के लिए, हैवी दोगे तो पावर गेन होएगी, वरना पावर गेन देख सकते हो आप मेरी पावर कितनी ड्रेन हो रही है, मेरी SP1 कितनी हिट्स मारने के बाद भी SP1 नहीं बढ़ रहा, इसलिए मुझे बार बार ना हैवी देना पड़ रहा है, हैवी देने की वजह से मैं पावर गेन कर पा रहा हूँ, वरना पावर गेन नहीं होएगी, आपको हैवी दे के ही पावर गेन करनी पड़ेगी। और इसका SP1 इवेड करना आना चाहिए, अगर SP1 इवेड करना नहीं आता ना तो भाई बहुत दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि ब्लॉक पर भी बहुत तगड़ा डैमेज देगी, बहुत तगड़ा। इसके लिए तो भाई लेडी डेस्ट्राइक काम कर देती, क्योंकि वो ना एबिलिटी फेल कर देती है। और याद रखना इसको ना क्या नाम है अपना पावर गेन SP1 बना के रखना, साम अगर VI विजन ने अगर अपना SP1 मारा ना, अगर आपका 0% पावर है और उसने अपना SP1 मारा तो उसका SP1 अनब्लॉकेबल होएगा, ध्यान रखना इस बात का।
और क्या नाम है, ये सबसे टफेस्ट फाइट है इसके लिए सॉक स्क्वैच वाली। तो इसके लिए मैंने वॉरलॉक बचा के रखा था, क्योंकि वॉरलॉक की एज इसको हरा पाएगा, क्योंकि वॉरलॉक इसका रीजनरेशन भी फेल कर देगा। अनस्टॉपेबल को मैं काउंटर कर लूँगा, और क्या नाम है, इंटरसेप्ट्स की वजह से, और SP2 फ्यूरी 10 गेन करके बार बार SP2 देंगे और जल्दी ख़त्म हो जाएगी फाइट। और बस रीजनरेशन इसका फेल्ड है, रीजनरेशन काम नहीं करेगा, और आराम से वॉरलॉक से मैं फ़ाइट आराम से कंप्लीट कर दूंगा। बस इसका ध्यान रखना, जब इसका ओरा चालू होता है ना, तो अपना स्पेशल मत छोड़ना, वरना SP3 पे कब पहुंचेगा पता भी नहीं लगेगा। ये देखो SP3 पे पहुंच गया, लेकिन इसने वॉरलॉक का एक और फ़ायदा है, ये पावर इतनी जल्दी ड्रेन कर रहा है ना वॉरलॉक, भाई बेस्ट चैंपियन मैं कह सकता हूँ इसमें टेक को, टेक का बेस्ट चैंपियन इसको कहने गलत नहीं होगा भाई। इसने SP3 पे पहुंच गया था, SP3 से भाई सीधा SP1 पे ले आया वॉरलॉक इसको पावर ड्रेन करके। जब इन्फेक्शन लग जाता है ना, तो पावर ड्रेन इतनी खतरनाक होते हैं ना वॉरलॉक करता है, मज़ा आता है भाई। वॉरलॉक भी बहुत तगड़ा चैंपियन है, बहुत तगड़ा। अकेले वॉरलॉक को ले आओ, पूरा पाथ पूरी फाइट है सारी जितनी भी है ना इसमें सारी देख लेगा वो वॉरलॉक, और किसी चैंपियन की ज़रूरत ही नहीं है। और ये हमारे पास लास्ट फाइट है शायद ब्लैक वीडो के साथ, इसके लिए भी मैं निमरोड लेके आया था बेसिक फाइट। मैं निमरोड को इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी निमरोड मुझे मिला है, तो मैं सोच रहा हूँ इसे खेल खेल के ना एक बार इसे खेलना आ जाए, फिर इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। सीख रहा हूँ अभी निमरोड से खेलना, इतना नहीं आता निमरोड से खेलना अभी मुझे, और जितना मुझे पता लग रहा है ना, इसके जब तक 10 सॉक के चार्ज ना हो जाए ना, तब तक आप जितनी मर्जी बार स्पेशल का डैमेज दे सकते हो सॉक लगा के। जैसे डैश चार्ज हो जाएगा ना, तो ये अनस्टॉपेबल तब होता है, वरना तो आप जितना मर्जी इसको मारते रहो। और इसको डिफेंस में यूज़ करना मेरे ख्याल से सही है, डिफेंस में भी अच्छा काम कर देगा। जब इसके 10 आर्मर अप हो जाते हैं, 10 चार्जेस बन जाते हैं इसके, और इसका बार बार फेस चेंज करना पड़ता है। अगर आपने ब्लू फेज में मारा ना SP2, तो कोई डैमेज, देखो मैंने ब्लू फेज में मारा, कोई डैमेज नहीं आया। मेरे को ना पहले फेस चेंज करना पड़ेगा, तब जाके डैमेज मिलेगा निमरोड के सोक का। SP2 पे पहुँचने वाले हैं, और ध्यान रखना जब भी इसको वो आर्मर अप आ रहा हो ना, मतलब ये जो पीछे टाइमर चल रहा है इसकी चार्जेस के, वो टाइमर जब भी आने वाला हो, ध्यान से स्पेशल छोड़ना, वरना आपका फेस कब चेंज हो जाएगा आपको भी पता नहीं लगेगा। और ये फाइट हमारी ख़त्म हुई, और ये अब हमारी बॉस फाइट है जो वीडियो गिटरी के साथ, जिसके लिए मैं निक फ्यूरी लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फाइट। तो निक फ्यूरी से ये फाइट बहुत ईजी है, और मैंने ना बॉस फाइट, अब बॉस फाइट तो मैं बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, बॉस फाइट में सारी स्लो रखूँगा, और मतलब स्लो नहीं मीडियम वो रखूँगा, कॉमन रखूँगा, और फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि बॉस फाइट भाई मुश्किल होती है, और मुश्किल मुश्किल बॉस फाइट आती है, तो उसमें आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। और ये भी है कि ना अभी एक्ट 8.1.4 आने वाला है चैप्टर, जिसमें ना मेरे ख्याल से पनिशर होगा बॉस, और रिवॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं कंप्लीट सेशन एक्सप्लोरेशन के, उसकी वीडियो भाई बहुत जल्दी लाऊंगा, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ। इवेंट क्विस्ट को और पैरागॉन गॉब्लेट को भी बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ना जब एक्ट 10 तारीख तक आ जाएगा, एक्ट 8.1.4 चैप्टर आ जाएगा, और भाई एक्सप्लोरेशन के रिवॉर्ड मिलेंगे, क्योंकि चारों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, और चारों चैप्टर को एक्सप्लोरेशन के जो रिवॉर्ड्स होंगे ना, मैंने 3 चैप्टर तो कर ही दिया है, बस चौथा करना है भाई साहब, बढ़िया रिवॉर्ड्स आने वाले हैं, मैं तो ज़रूर करूँगा, और उसकी वीडियो तो ज़रूर लाऊँगा भाई, हर एक वीडियो लाऊँगा आपको आपके लिए। और बस आज एक बार मैं तो उसी का वेट कर रहा हूँ, 8.1.4 का भाई, मज़ा आएगा बहुत तगड़ा। और ये फाइट हमारी कंप्लीट हो गया है, निक फ्यूरी सेकंड लाइफ पे आ गया था ब्लीड के डैमेज, और हाँ भाई यार इसकी फाइट तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जब तक ब्लीड का डैमेज इसको नहीं दोगे तब तक ये नहीं मरेगी। और क्या नाम है, ब्लीड लगाना जरूरी है इस फाइट में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।